कदर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड शेफ हमारे अपने रणवीर ब्रार के साथ, जिनके साथ हमारी बातें होने वाली है फ्रेंड्स एफएम पे। ग्रेट इंडियन रसोई में हमने उनको देखा है धूम मचाते हुए, तरह तरह के डिशेस ऑल ओवर इंडिया से वे हमारे लिए लेकर आते हैं। हर जगह घूम घूम कर हमें तरह तरह के डिशेस के बारे में बताते हैं। रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच निमेश, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम टॉकिंग टू यू। क्या बताऊं आपको, इस वक्त बता दूं 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं और कोलकाता में आपके फैन फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, क्योंकि हम जब आपको लेकर बातें करते हैं तो काफी लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं आपको द ग्रेट इंडियन रसोई में। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यू नो व्हाट, इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस द ग्रेट इंडियन रसोई। जिस तरह से जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत एहसास था हिंदुस्तानी खाने का और हिंदुस्तानी खाने की विविधता का, उसकी ग्रेटनेस का। लेकिन जैसे जैसे मैं शूट करता गया, यू आर अमेज्ड, आपके पास एक के बाद एक आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी जनरेशन निकाल दी खाने के प्रति। और कलकत्ता इज वन सच सिटी एनिमेट, और यू नो अभी तक आई कैन नॉट बिल्ड अप माई माइंड। उसके बाद मैं एक बार और आके कलकत्ता में सिर्फ खाने का लगा चुका हूँ दो दिन का, एंड देर इज स्टिल सो मच टू वॉच। यू नो आई सल्यूट कलकत्ता स्पिरिट टू कुक इन दिस, आई सल्यूट द रॉनगर ऑफ कलकत्ता। क्या बात है, कोलकाता की जब आप बातें कर रहे हैं तो कोलकाता में क्या क्या चीजें हैं, फूड आइटम्स की बातें करें जो आपको भाती है, अच्छी लगती है? देखिए मुझे ना एक तो जो यहाँ का छेना है वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता हिंदुस्तान में कहीं भी। तो जो मेरा फेवरेट जगह है खाने में, हर बार आता हूँ तो नौकुर जरूर जाता हूँ, वहाँ का सौंदेश कहीं नहीं बन सकता। आप चाहे दूध बोल लीजिए या पानी का फर्क बोल लीजिए या कारीगर का फर्क बोल लीजिए, द टेस्ट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। दूसरा यू नो दिल्ली पुचका वाला, ओ माई गॉड, यू नो या इंग्लिश ले लें हम, क्या बात, दीज आर थिंग्स। इन चीजों का स्वाद जो है वो कोलकाता में बैठ गई है। अरे वाह, आपने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चारों ओर आप जा चुके हैं और हमने आपको बहुत सारे रूपों में देखा है, जहाँ पे आप जाके इतने तरह के डिशेज जो है उन्हें आप टेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान को बता रहे हैं। तो कौन सी ऐसी जगह है जो आपको लगी कि सबसे अच्छी और ऐसी यूनिक जगह है जो आपको काफी अच्छी लगी कोलकाता को छोड़कर? देखिए मुझे लखनऊ से हमेशा प्यार रहा है, मेरा शहर है लखनऊ। लेकिन इस बार जो लखनऊ की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि मैं इस बार एक 95 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्डदार के साथ काम किया। वो साहब जो है वो 15 साल की उम्र से खाना बना रहे हैं, मुबारक चचा उनका नाम है, यानी कि 80 ईयर्स ऑफ कुकिंग एक्सपीरियंस उनके साथ खाना बना के मुझे वाकई एक यू नो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला। वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो था वो वाकई लाजवाब था। जी आप केरला भी गए, केरला में भी हमने देखा ही काफी तरह के फूड्स को आपने एंजॉय किया, वहाँ पे भी कुछ अलग लगा आपको? केरला में मुझे सबसे खूबसूरत चीज लगी वो ये नारियल का प्रयोग कितनी तरह से अलग अलग स्वाद देने के लिए होता है। यू नो सद्या कुकिंग जब मैंने करी वहां पे तो मैंने देखा कि नारियल हर चीज में था, लेकिन हर चीज में एक अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कहीं पे वो भुन रहा था और नटीनेस के लिए यूज हो रहा था, कहीं पे वो मिल्क के तौर पर यूज हो रहा था क्रीमीनेस के लिए, यू नो मिठाई में इस्तेमाल हो रहा था, नमकीन में इस्तेमाल हो रहा था। जस्ट द वे दे यूज कोकोनट फॉर सो मेनी फ्लेवर्स, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट केरला। क्या बात है रणवीर, अभी आपको बताऊं कि कोलकाता शहर में पिछले करीब करीब 3 घंटों से जोरदार बारिश हो रही है, मैं स्टूडियो के बाहर भी देख पा रहा हूं अभी भी बारिश हो रही है। तो बारिश के मौसम में कोलकाता के लोगों को क्या ट्राई करना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड्स है, आप मुझे एक रेसिपी अभी तुरंत बता दो। देखिए 30 सेकंड्स में मेरे यू नो आई एम इन कोलकाता, आई वुड गो फॉर पहले भाजा, नथिंग बीट पहले भाजा, और खासतौर जो सोया चॉप है, थोड़ा फटाफट से आप सोया बड़ी लें, सोया बड़ी को पानी के साथ यहाँ उबालें और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें, मिक्सी में घुमाएं, उसके अंदर हल्की सी किशमिश डालें, मसाले डालें, थोड़ी सी कासुंदी डालें, नमक सेट करें, हल्का सा टिक्की बना के उसको बैटर फ्राई करके खाएं 30 सेकंड्स के अंदर। आई थिंक वी डिड प्रीटी वेल। वेल अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अब मैं जा रहा हूँ अब नीचे जाके मुझे जो मिलेगा मैं उसे खा लूंगा। वैसे आप बताओ घर पे जब रहते हो तो क्या तब भी आप ही कुक करते हैं या फिर घर पे किसके हाथ का खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यू नो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जब मुझसे पूछा जाता है घर पे खाना कौन बनाता है, और घर पे खाना मैं नहीं बनाता है, आई डोंट कुक एट होम, क्योंकि रहने का मौका मिलता है ना। हाँ जी घर पे रहने का मौका मिलता है?
बहुत कहाँ घर पे रहने का जहाँ जहाँ मौका मिलता है फिर वहाँ पे नो इसे नो नो आई डोंट वांट टू कुक एट होम, घर पे अब नहीं बनाऊंगा, आराम से बैठूंगा और खा के मजे लूंगा। ओके okay, सबसे अच्छी फूड आपको क्या, आपको सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? मुझे बरसात के मौसम की बात करें तो खिचड़ी इज माई फेवरेट इन देसी में। अरे वाह, वेल आप खिचड़ी हो साथ में थोड़ा सा अचार हो, पापड़ लड़की हो पापड़, पापड़ क्या बात है। 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी से जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यू नो व्हाट, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक्स टू यू, ग्रेट इन रसोई हैज बीन टॉपिंग द टीआरपी रेटिंग्स इन इट्स कैटेगरी एवर सिंस वी स्टार्टेड, जब से हम शुरू हुए हैं वी हैव बीन नंबर वन ऑन द टीआरपी रेटिंग्स इन दिस कैटेगरी, आपके प्यार की वजह से यू नो कीप लविंग अस एंड कीप लविंग फूड, खाने से प्यार, प्यार बना के रखें, यू नो इट्स दिस दिस फूड मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही बात है आपने कही। वैसे कोलकाता आने का कब प्लान किया, कोलकाता में शूट कब होगी, हम कोलकाता के डिशेस को कब देख पाएंगे टीवी पर? सर कोलकाता हैज ऑलरेडी बीन, कोलकाता वाज टेलीकास्ट आई थिंक 2 weeks अगो जी, फिर द रिपीट्स आर ऑन। कुछ और प्लान? वी आर गोना बी डूइंग, वी आर गोना बी शूटिंग फॉर अनदर शो इन कोलकाता एंड ऑफ सितंबर, बट टेलीकास्ट प्रोबेबली जो है वो अगले साल ही होगा उसका। क्या बात है, हम चाहेंगे कि जब आप सितंबर में आए फ्रेंड्स एफएम के स्टूडियो में आएंगे, आपको मैं बुलाता हूँ, आप आइए, हम सब बैठेंगे, फुचकब से लेके आपको तेले भाजे से लेके सब कुछ मैं खिलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल होल्ड यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच रणवीर, फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, काफी अच्छा लगा। इसी तरह से आप हम सबको तरह तरह की डिशेस खिलाते रहिए, थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज ऑल माइन सर। वेल हमारे साथ नन अदर देन शेफ रणवीर, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, काफी कुछ जानने को मिला उनके बारे में, साथ ही साथ उनके शो ग्रेट इंडियन रसोई के बारे में। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, अड्डा गान, टोटल फन।